So hello guys and what's up and welcome back to my channel once again guys. तो भाई आज हम आ चुके हैं हमारा गेम रिव्यू एपिसोड 3 के साथ भाई. तो इस गेम रिव्यू सीरीज में हम कोई भी एक रैंडम गेम को उठा लेते हैं और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स निकाल के रख देते हैं भाई. तो आज हमारे पास जो गेम है उसका नाम है Assassin's Creed Origins. भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिपल ए टाइटल्स है Assassin's Creed का उसका टाइम का. तो आओ गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. तो भाई ये हमारा ओपनिंग स्क्रीन है Assassin's Creed Origins का और इसका करंट कॉस्ट अपना एपिक स्टोर पे जो कि अभी 80% ऑफ पे चल रहा है वो और पीसी स्पेसिफिकेशंस आपका सामने है भाई. तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि इस गेम का क्वालिटी और इसका वैल्यू के बारे में. तो भाई ये गेम मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मैच्योर नहीं हो यानी कि 15-16 साल के नीचे हो या ब्लड वगैरह से आपको डर लगता है सो मैं मना ही करूँगा इस गेम को खेलने के लिए क्योंकि इसमें ब्लड सीन्स और जो कि मर्डर सीन्स है थोड़ा ज़्यादा है भाई. अब सेकंड पॉइंट पे आते हुए अगर आप लोग मेरे को पूछोगे कि इसका ग्राफिक्स कैसा है और लाइटिंग वगैरह कैसा है तो वो आपको मैं एक गेम प्ले के जरिए दिखा दूंगा भाई. हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ये जो कंटेंट्स है क्या ये 18 के ऊपर का हर कोई देख पाएगा भाई. तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन एक और दूंगा कि जो भी इस गेम को खेल रहे हो भाई उसका ब्लड से फोबिया नहीं होना चाहिए चाहे आप 18 से कम हो या 18 से ज़्यादा हो भाई. आप लोगों को ब्लड से फोबिया नहीं होना चाहिए. ब्लड से फोबिया है तो मैं मना करूंगा पर्सनली. आप तो इसके अलावा कोई प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत नहीं है. हम आते हैं गेम के तरफ भाई. तो यहाँ पे है हमारे पास एक डिस्कवरी टूर का टैब जिसमें आपको अलग अलग म्यूजियम मोड और टूर्स वगैरह के बारे में दिखा दिया जाता है. यहाँ पे हमारे पास है एक स्टोर टैब. स्टोर टैब से आप अलग अलग चीज़ों को खरीद सकते हो. हेलिक्स कॉइन्स यूज होता है इसमें मैं आपको बता दूं हेलिक्स कॉइन्स वगैरह. और आप जैसे ही जो अल्टीमेट एडिशन होता है अल्टीमेट एडिशन को लेते हो उस एडिशन के साथ आपको सारा जो भी हेलिक्स क्रेडिट्स के साथ जो भी आता है ना वो आपको फ्री मिल जाता है. आप देख ही सकते हो सब कुछ इंस्टॉल्ड आता है ठीक है. तो यही सारे चीज़ होता है स्टोर पे. अब ऑप्शंस पे आते हुए हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेशियो वगैरह है वो बहुत अच्छे से दे दिया गया है. फुल स्क्रीन मोड नेटिव मोड और जो भी रेजोल्यूशंस वगैरह. रेजोल्यूशन अगर बताया जाए तो रेजोल्यूशन आपको फुल एचडी देखने को मिल सकता है और रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज तक का देखने को मिल सकता है भाई. और भाई FPS का लिमिट तो भाई आप बोलो ही मत बहुत तगड़ा होता है इसमें. तो आपको एज सच कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा. बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि आपके पास एक डेडिकेटेड GPU होना चाहिए इस गेम के लिए भाई. चाहे वो NVIDIA का 760 ही क्यों ना हो बट आपके पास होना चाहिए. अब इसके बाद हम आ जाते हैं Ubisoft क्लब का फीचर के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास Ubisoft क्लब में आप ऑनलाइन तक खेल सकते हो. ऑनलाइन चैट कर सकते हो ग्रुप्स चैट कर सकते हो अलग अलग काम कर सकते हो जो कि काफ़ी कूल फीचर है क्योंकि ये Ubisoft का गेम है भाई. तो चलो गाइस यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल टूर ख़त्म होता है. अब हम चलेंगे हमारा इंटरनल टूर यानी कि गेम प्ले की तरफ. तो आओ गाइस गेम प्ले पे चलते हैं. यहाँ पे ही हमारा लोडिंग स्क्रीन है देखते हैं. A few moments later. ओ भाई साहब कितना दिन लगा बे तू
आजा भाई आजा, चालू हो जा भाई, चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा। 2 hours later भाई ऐसे हम, वैसे ग्राफिक्स डेडिकेशन तो काफी अच्छा दिखाया गया है इधर, बट ये चालू कब तक होगा ये नहीं मालूम। ओके गाइस, चालू हो गया है। आप देख ही सकते हैं, हाँ इनिशियली थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलता है इसमें। इनिशियली आपको भी थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, बट जैसे जैसे गेम स्मूदन होता जाता है वैसे वैसे आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखना बंद हो जाता है भाई। लाइटिंग के बात किया जाए, नाइट लाइट इसमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और हमको बंदा ढूंढना पड़ेगा किल करने के लिए। भाई देख सकते हो साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा होता है इसमें। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमारा इजिप्ट का डायनेस्टी था, इजिप्ट का डायनेस्टी का प्रीस्ट और वो सब के बारे में भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब बोला जाए तो सेटिंग को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है इसमें, जहाँ पे सेट हुआ है उसका डिटेलिंग भी काफी अच्छा है यहाँ पे, और उसका टाइम का खाना या स्टाइल्स भी काफी अच्छे से कॉपी कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक और फीचर है हमारा, जो कि ऊंट होता है उसको बुलाने का, मतलब कि एक व्हीकल। यहाँ पे आपको व्हीकल देखने को नहीं मिलता था उस जमाने में, उस जमाने में हम लोगों को ऊंट वगैरह का सवारी देखने को मिलता था जनरली। तो अभी हम बस एक बंदे के तलाश में हैं, बंदे दिख जाए। और यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हर एक चीज़ को, अपने आप को, टारगेट्स वगैरह हर एक चीज़ को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो भाई। तो भाई यहाँ पे अगर बात किया जाए कि कैसे कैसे हमें विजुअल्स देखने को मिल रहा है, तो विजुअल्स काफी अच्छा है। मैं बोलूंगा असासिन्स क्रीड का हर एक सीरीज में से काफी अच्छा विजुअल्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और बस एक किल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा, खुद ऑन माई हैंड में दिखा दूंगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, आपको काफी अच्छा एनिमेशंस भी देखने को मिल जाता है। आपको शायद से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मोशंस हो रहे हैं वो काफी तगड़ा मोशंस हो रहा है। और यहाँ पे सब एक और इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो यहाँ पे स्टेल्थ किल जो होता है, स्टेल्थ किल का फीचर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। कंट्रोल्स बहुत सही है, मैं तो बोलूँगा आपको नॉर्मल जो स्पेस बार का जो की होता है जिससे आपको नॉर्मल जंप देखने को मिलता है, वो जंप इसमें नहीं होता है, इसमें ऑल्ट से जंप होता है और स्पेस से डक होता है। तो आओ भाई इस गेम को निकल के हम समराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रेटिंग्स। आओ टाइटल स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइटल स्क्रीन होता है इसका, तो हम इसको टाइटल स्क्रीन को चालू करते हैं। तो ये टाइटल स्क्रीन का एनिमेशन भी काफी अच्छा लग रहा है भाई, मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा है। तो फर्स्ट बात किया जाए इसका गेम प्ले के बारे में, आउट ऑफ 10 मैं इसको 8.9 दूंगा। अब बात किया जाए लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग का जो भी स्ट्रक्चर है इसमें मैं इसको आउट ऑफ 10 9.5 दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं हम इसका कंट्रोल्स पे। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, इसका कंट्रोल्स थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको 10 में से 9 दे सकता हूँ भाई। और इसके बाद आते हैं हम स्टोरी मोड पे, इसका स्टोरी बहुत अच्छा स्टोरी मोड है, तो इसको मैं 10 out of 10 रेट कर सकता हूँ इजीली भाई। स्टोरी मोड काफी अच्छा है इसका, वैसे आप अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजेशन देखना चाहते हो तो 9.9 समझ सकते हो, अगर आपको रूरल और पुराना कल्चर के बारे में नहीं पता है। डिटेलिंग का बोला जाए, डिटेलिंग पे मैं इसको 9.7 दूंगा आउट ऑफ 10। और ओवरऑल पे बोला जाए तो इस गेम को मैं आउट ऑफ 10 मैं इसको 9.3 दे सकता हूँ भाई। तो काफी अच्छा गेम है, आप लोग जा सकते हो 6 अगस्त तक, आपको 80% ऑफ मिल जाएगा एपिक स्टोर पे।
लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है गेम का, वहाँ पे जरूर से जाए और चेकआउट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप लोग यूट्यूब को छोड़ के कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर से जाके फॉलो कर ले। सो मिलते हैं एक अगला धमाकेदार वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।